जय हिंद। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है नेशनल कोबरा कैडेट यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ। किस चीज़ की रिगार्डिंग अपडेट देना है अब की बार, फिर से वही है ITBP की रिगार्डिंग। बहुत लोगों का जो क्वेरी आ रहा था ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे, पर्सनल मैसेज कर रहे थे, और जो टेलीग्राम चैट वाला ग्रुप है उस पर भी पूछ रहे थे कि भाई साहब यह मिनिस्ट्रियल वाला जो ITBP कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल का है, इसका क्या होगा कोर्ट केस का ज्वाइनिंग का। तो उसमें मैं जब इसको एनालाइज कर रहा था क्या पूरा चल रहा है, तो उसमें मुझे कोर्ट केस का पहले से ही फर्जी लग रहा था। फिर तो आज मंडे को 100% पता चल गया कि यह जो कोर्ट केस है फर्जी है, क्योंकि मैं पता करने बहुत कोशिश कर रहा था, बहुत डिले हो रहा था। लेकिन तो आज जो है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि कोर्ट केस जो है कि फर्जी है। आपको सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, हालांकि यह मेरा मुद्दा नहीं है वीडियो का, मेरा मुद्दा कुछ और ही जो आप टाइटल पढ़ रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं देखिएगा आपके ऊपर है। तो जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल पर या मेरे पीछे स्क्रीन पर चल रहा है कि आपको यह जो स्क्रीनशॉट देखने को मिल रहा होगा कोर्ट केस का, जो कोर्ट केस का नंबर है, क्या कोर्ट केस का नंबर है आप देख सकते होंगे कि ये जो ऊपर है 15 करके है ना, तो वो जो कोर्ट केस नंबर है मैं जा करके दिल्ली हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक किया तो मुझे फर्जी मिला कि वहाँ पर कुछ डेटा ही नहीं शो कर रहा है। जज के नाम पर देखा तो वो भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और ये और भी आपको फालतू के जो फेक फोटो हैं टाइप किया हुआ है, इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये एक प्रोपोगंडा करने के लिए था। अब चलिए, ये जो हुआ आप यहाँ से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो कोर्ट केस है ये फर्जी था। ये इसका ऐसा कोई भर्ती के ऊपर कोर्ट केस कोई भी नहीं कुछ किया है। अब आगे चलते हैं, इस वीडियो में यहाँ तक आपको इतना क्लियर हो गया ना, अब आगे चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। मेन टॉपिक हमारा क्या है कि ITBP कॉम्पिटेंट मिनिस्ट्रियल, जिसका आप लोग 5 अप्रैल को, कब 7 अप्रैल को अपना रनिंग वनिंग दिए थे, फिर अपना एग्जाम दिए थे नवंबर में, फिर अब की बार जा करके कब दिसंबर नवंबर से अपना आप जो मेडिकल वेडिकल दिए थे, जा करके आपका ज्वाइनिंग अब आना शुरू हो चुका है। अब ऑफिशियल वेबसाइट पर फिलहाल कुछ भी अपडेट नहीं आया हुआ है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ भी अपडेट नहीं आया हुआ है। और मैं मंडे को बोला था, जो टेलीग्राम पर बात कर रहे थे, कि मंडे तक मैं कोशिश करूंगा अपने तरफ से पूरा कि मैं आपको वीडियो ला करके दे दूं जो जानकारी मिल पाएगा, क्योंकि फालतू का अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन ही सही नहीं रहेगा तो मैं आपके पास ला करके वीडियो बना करके करूंगा क्या। तो अभी इंफॉर्मेशन है तो मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। आपका क्या है कि ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच किया जा रहा है, या कब से डिस्पैच किया जा रहा है, या हमें जो इंफॉर्मेशन मिला है उसके मुताबिक भैया 5 तारीख से ही, 5 जनवरी 2024 से डिस्पैच किया जा रहा है। और कब तक ये डिस्पैच किया जाए, अब देखिए वहाँ डिस्पैच करना चालू कर दिए, और अनुमान क्या है कब तक डिस्पैच करेंगे, 15/1/24 तक। मैं पूरा अपने पास ये जो पर्ची है ना, इस पर पूरा बढ़िया से लिख करके लाया हूं किस किस पॉइंट के बारे में बात करना है। तो आपका 15/1/24 तक लगभग ये डिस्पैच होगा। आप बोलोगे वेबसाइट पर काहे नहीं आया, हम भी पूछे भैया वेबसाइट पे डाल देते ना, तो वेबसाइट पर आज या जल्दी बोले हैं कि जल्द ही डल जाएगा वेबसाइट पर भी। अब आज देखिए मंडे है, आज ऑफिस पूरा रन कर रहा है प्रॉपरली, तो वहाँ ऑफिस में आज अपडेट हो सकता है। और इसका मैं और जानकारी लेने की कोशिश की कि ये कहाँ से पूरा ऑपरेट किया जा रहा है। तो ये तो जो हम लोगों का कैंडिडेट लोगों का डोजियर तैयार हुआ था वहाँ पर मेडिकल के टाइम, वो पूरा डोजियर लखनऊ में जो है ITBP का, वहाँ से पूरा मैनेज किया जा रहा है। यही उसका इस भर्ती का हब बनाया गया है, यह पता चला इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन का कोई खास मतलब नहीं आपके लिए। तो डिस्पैच हो सकता है कि यहाँ से किया जाए, कहीं और से, बस आपके पास पहुँच जाए, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब कितना मेरिट बना, कितना क्या बना है, ये वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा जल्दी, जल्द से जल्द, जो मुझे इनपुट मिला उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या कोर्ट केस हो गया, ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच हो रहा है। और ज्वाइनिंग के बारे में आपसे क्या बताना है कि ज्वाइनिंग जो है कि 28/1/2024 तक आपको ज्वाइनिंग करना है, जो कि आपको उस पर डेट लिख करके आएगा आपके ज्वाइनिंग लेटर पे, ठीक है। और कौन सा आपको BTC मिला है, BTC यानी कि जहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग सेंटर जो है ITBP भानु,
भानु कहाँ पर है, ये पोस्ट भानु डिस्ट्रिक्ट पंचकूला हरियाणा में, हरियाणा में आपको ट्रेनिंग करना होगा इसके लिए, ठीक है। अब कट ऑफ क्या बना है, मेरिट क्या बना है, इन सब का डिटेल कहाँ पे आपको मिलेगा, आईटीबीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, आएगा तो मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा। उस पर डिले होगा क्योंकि ये जो है आज मंडे का दिन है और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 11 बज चुका है। अब मुझे इस वीडियो को देखता हूँ, जल्द से जल्द सिस्टम पर बैठता हूँ, इसको प्रोसेस करता हूँ, एडिट करता हूँ रेंडर, और आपके पास में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका देखिए कुछ भी डाउट होगा तो आप सिंपली मुझसे आकर के टेलीग्राम का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है ना उसमें पूरा डिटेल रहता है, आप वहाँ से आके मुझसे टेलीग्राम पे पर्सनल चैट कर सकते हैं, और ग्रुप है वहाँ से जुड़ना है जुड़ जाइए, और मैं कोशिश करूँगा जो भी आप लोगों का कमेंट रहेगा उसका मैं रिप्लाई जल्द से जल्द कर पाऊँ। जो भी आपके पास डाउट रहेगा कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे पता रहेगा तो रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, सो फॉर जय हिंद।